अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आपका? उम्मीद है पहला लेक्चर आपने सुन लिया होगा। और वेलकम इन नेक्स्ट लेक्चर ऑन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। आज का हमारा सेकंड लेक्चर है चैप्टर 15 का, और आज हम ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर रिलेशन, बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट इन बॉडी और ऑस्मो रेगुलेशन एंड प्लांट्स जो हैं उसको हम स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। लास्ट में हमने होमियोस्टेसिस पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि वाटर और सोल्यूट दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं सेल के, और ये कंपोनेंट्स जो हैं इनका मेंटेन रहना, इनका रेगुलेट रहना सेल के लिए, सेल की फिजिकल और फिजियोलॉजिकल कंडीशन के लिए बहुत अहम है, जिसमें हमने देखा कि जनरली ए मैकेनिज्म इन विच द रेगुलेशन जनरली बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट ऑफ सोल्यूट एंड गेन एंड लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। तो इसमें वाटर रिलेशन ऑफ सेल सबसे पहले हमने देखा कल भी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, फिर इंटरनल एनवायरनमेंट है। इंटरनल एनवायरनमेंट में फिर दो तरह की एनवायरनमेंट है, एक इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट है जो कि मेम्ब्रेन के अंदर अंदर है, और दूसरी एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरनल एनवायरनमेंट है जो कि सेल के बाहर की एनवायरनमेंट है जिसमें कंट्रोल सिस्टम जो है वो काम करते हैं। अब सेल के अंदर वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट। वाटर जो है फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा कि इट इज द बेस्ट सॉल्वेंट इन नेचर, तो ये सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट करता है सेल के अंदर। लिहाजा जो क्वांटिटी ऑफ वाटर इन रिलेशन टू सॉल्ट्स है वो अकॉर्डिंग टू परफॉर्म इट्स फंक्शन इनसाइड द सेल, कि ईच सेल कि उसने किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करना है, उसका रिलेशन है विद द क्वांटिटी ऑफ वाटर के साथ, पानी के साथ उसका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि उसने अडॉप्ट किया हुआ है ये चीज। स्पेशली सेल्स जो के फंक्शन परफॉर्म करते हैं लाइक प्रोटेक्शन का फंक्शन है, या टगर सेल की कंडीशन है जिसमें सेल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उस तरह से वाटर जो है उसके ऊपर इम्पोर्टेंट है। और होमियोस्टेसिस जो है एक ऐसा मैकेनिज्म है जो इस कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में मदद देता है। जैसे ये एक सेल है, तो ये उसका सेंट्रल वैक्यूल है जो सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, और उसके सोल्यूट और सेल जो है उसकी शेप जो है उसको मेंटेन करने में मदद दे रहा है। ये एपिडर्मल सेल्स हैं, ऑनियन के सेल्स हैं जो कि उसकी स्ट्रक्चर और शेप के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। जब हम वाटर रिलेशन की बात करते हैं तो वाटर जो है वो हमेशा बैलेंस फॉर्म में होता है, यानी कि बैलेंस ऑफ वाटर और इट्स सोल्यूट इन द बॉडी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है। कि सेल को तो जब हम देखते हैं तो सेल के अंदर एक चेंजिंग एनवायरनमेंट है, और वो जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है वो हो सकता है कि वो डिल्यूट सॉल्यूशन हो एज कंपेयर टू सेल, हो सकता है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो एज कंपेयर टू द सेल, या इट इज पॉसिबल कि इट रिजेम्बल्स, इट्स कंसंट्रेशन रिजेम्बल्स विद द सेल सॉल्यूशन, सेल्स एनवायरनमेंट। तो हम देखते हैं कि अमूमन जो सेल है दैट फेस थ्री काइंड ऑफ एनवायरनमेंट्स। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट एंड आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। हम इन तीनों को अलग अलग से स्टडी करेंगे और इनका इम्पैक्ट देखेंगे। सबसे पहले हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट इज ए डिल्यूट सॉल्यूशन, डिल्यूट एनवायरनमेंट एज कंपेयर टू द सेल कंसंट्रेशन, यानी कि सेल जो होगा उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी
और आउटर साइड जो है वो कंसंट्रेशन कम होगी, यानी कि ये जो आउटर साइड है ये डिल्यूट होगा, लाइक डिल्यूट सॉल्यूशन, डिल्यूट एनवायरनमेंट एज कंपेयर टू द सेल इंटरनल एनवायरनमेंट। इसका मतलब डिल्यूट कंसंट्रेट सॉल्यूशन एज कंपेयर टू द सेल कंसंट्रेशन। दिस टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इज नोन एज हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। अब इस हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स विल मूव इनटू द सेल, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव इनटू द सेल, इट मीन वाटर एंट्री इनटू द सेल, और फ्रॉम डिल्यूट सॉल्यूशन टू द सेल, और अल्टीमेटली सेल की कंसंट्रेशन भी कम होती जाएगी, डिल्यूट होती जाएगी, और इसका रिजल्ट क्या होगा, सेल जो है वो टर्जिड हो जाएगा। अगर तो ये नॉर्मल सेल है, सेल बॉडी के अंदर वर्क कर रहा है, तो ये उस सूरत में क्या होगा कि ये सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करता रहेगा, टर्जिड हो जाएगा। कभी कभी ये कंडीशंस जो हैं ये सेल के लिए हार्मफुल भी हो जाती है, स्पेशली इन एनिमल सेल, जिसपे भी हार्म क्यों हार्म होती है। अगर तो ये प्लांट सेल है तो आप देखें प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल होती है, लिहाजा वो इस सेल को लिमिटेड अमाउंट तक एक्सटेंड होने देती है, स्वेल करने देती है। जैसे आप एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करते हैं ऑस्मोसिस का, तो प्लांट सेल जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एनिमल सेल जो है जब वो कंट्रोल सिस्टम से बाहर होता है तो वो बस्ट कर जाता है। तो ऐसा ही यहाँ पे है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल जो है वो रैप्चर हो गया, या सेल स्वेल किया और बस्ट हो गया, इट मे हार्म टू द सेल। कौन सी कंडीशन? हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट वेयर द आउटर एनवायरनमेंट इज कंसंट्रेटेड और कंसंट्रेटेड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एज कंपेयर टू द सेल। ये हमारे पास सेल है, ये उसकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, तो मोर कंसंट्रेटेड एनवायरनमेंट है, सोल्यूशन है एज कंपेयर टू द सेल। सेल लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, लिहाजा क्या होगा, वॉटर विल लीव द सेल, सेल जो है उसमें से पानी बाहर निकलेगा, एंड ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल्स थ्रू ऑस्मोसिस सेल विल श्रिंक, सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा। अब यही हाल प्लांट सेल और एनिमल सेल में, प्लांट सेल होगा तो उसकी शेप जो है वो मेंटेन रहेगी, क्योंकि सेल वॉल जो है वो फ्लैशेड तो हो जाती है लेकिन वो शेप चेंज नहीं करती। लेकिन अगर एनिमल सेल होगा तो वो श्रिंकेज वाजे तौर पे नजर आएगी। प्लांट सेल में उसकी जो इंटरनल प्रोटोप्लास्ट है वो श्रिंक कर जाता है, यानी कि उसका साइटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक करेगा, सेल वॉल जो है वो उसी जगह पे मेंटेन रहेगी। जैसे ये आप देखें, ये एनिमल सेल है तो ये श्रिंक कर गया, ये प्लांट सेल है तो फर्क तो पड़ा है सेल वॉल के ऊपर, लेकिन इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा वाटर के लॉस होने से। अंदर वाला हिस्सा जो उसका प्रोटोप्लाज्म है, जिसको हम प्रोटोप्लास्ट भी कहते हैं, अगर सेल वॉल रिमूव हो तो वो लाजमी तौर पे आप देखें कि उसमें श्रिंकेज जो है वो टेक प्लेस हो गई है। आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में यहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रिजेंबल विद द इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी कि इंटरनल सेल का इनसाइड का सोल्यूशन और बाहर, ये दोनों एक जैसी कंडीशन में होते हैं, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल सॉल्यूशन रिजेंबल टू द इंटरनल सॉल्यूशन, लिहाजा जितने वाटर मॉलिक्यूल ऑस्मोसिस से अंदर जाएंगे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऑस्मोसिस से बाहर निकल जाएंगे, और सेल जो है वो नॉर्मल कंडीशन में रहेगा, क्योंकि तो यहाँ पे वाटर और सॉल्ट बैलेंस कंडीशन है, लिहाजा ऑस्मोरेगुलेट से ये अपने आप को मेंटेन करेगा। ये तो हो गया बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट इन द बॉडी इन द सेल। तो इम्पोर्टेंट है ये शॉर्ट क्वेश्चन के रेफरेंस से, क्योंकि डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट
या हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये बहुत दफा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिफरेंशिएशन की सूरत में आया हुआ है, या उसका इम्पैक्ट क्या है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने पहले आपको तीन टॉपिक हमने पढ़ने हैं, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट। ये जो प्लांट की ऑस्मो रेगुलेशन है प्लांट में, तो ये प्लांट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन है प्लांट की इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट्स। जैसे आप देख को पता है कि प्लांट जो है तीन तरह की हैबिटेट मेनली होती हैं, जो जनरल टाइप हैं उन्हीं को हम कंसिडर करेंगे, मोर स्पेसिफाई नहीं करेंगे। जैसे सॉल्ट होता है, वाटर लॉगिंग एरिया होता है, या हेलोफाइट्स, उनकी तरफ नहीं जाएंगे हम, मेन वाटर रिलेशन की बेस के ऊपर बात करेंगे। तो वाटर कंडीशन की बेस के ऊपर हैबिटेट्स तीन तरह की हैं, एक्वेटिक, मॉडरेट और ड्राई कंडीशंस, डेजर्ट की। तो इसी बेस के ऊपर प्लांट्स जो हैं उनकी भी तीन कैटेगरीज हैं, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। वो प्लांट्स जो फ्लडेड कंडीशन में रहते हैं, जो वाटर के अंदर ग्रो करते हैं, एक्वेटिक होते हैं या सबमर्ज होते हैं, दे आर नोन एज हाइड्रोफाइट, दे आर नोन एज हाइड्रोफाइट्स। और इन प्लांट्स को वाटर क्योंकि एक्सेसिवली मिलता है, तो इनके अंदर फ्लडेड कंडीशन होती है, क्योंकि हमने अडोप्टेशन पढ़नी है ऑस्मो रेगुलेशन में, कि प्लांट्स ने इन कंडीशंस में अपने आप को किस तरीके से रेगुलेट किया। तो फर्स्ट में अबंडेंस ऑफ वाटर है, लिहाजा ये जो प्लांट्स हैं इन्होंने क्या अडोप्टेशन की, कि दे रिमूव द फ्लडिंग ऑफ इट्स सेल इन फ्रेश वाटर, कि इन्होंने पानी जो कि फ्लडेड कंडीशन में सेल के अंदर मूव करता है, क्योंकि पानी के अंदर है, फ्रेश वाटर में होते हैं, लिहाजा इसको इन्होंने रिमूव करना है। उसकी रिमूवल के लिए पहले अडोप्टेशन क्या की इन्होंने, सरफेस एरिया ऑफ लीफ जो है दैट इज वेरी लार्ज, सरफेस एरिया जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, बड़ा सरफेस एरिया की वजह से ट्रांसपरेट रेट जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि अगर सरफेस लार्ज होगी तो ट्रांसपरेशन का रेट भी ज्यादा होगा, तो इसलिए एक्सेसिवली वाटर को ये लॉस करते हैं। दूसरा इनका जो अडोप्टेशन है वो क्या है, कि इनके जो स्टोमेटा होते हैं, एक तो उनके नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, एंड नंबर टू they have stomata on their upper surface to promote the loss of water. Stomata जो है वो lower epidermis की बजाय upper epidermis, क्योंकि lower epidermis तो आप देख रहे हैं वो तो पानी के अंदर है, अंदर float कर रहा है leaf, ऊपर वाली surface जो है that is exposed to the light, लिहाजा stomata जो है वो upper surface की तरफ है, यानी कि ऊपर वाली surface में है, ताकि ज्यादा से ज्यादा water जो है वो loss हो सके। तीसरा, अमूमन इन प्लांट्स में रूट्स जो हैं वो पुअरली डेवलप्ड होती हैं, और सम प्लांट्स में तो रूट्स होती नहीं है, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, कुछ इसमें सबमर्ज प्लांट्स हैं जिनकी रूट्स तो होती हैं लेकिन वो ज्यादा एक्सटेंसिव रूट सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। तो ये अडोप्टेशन हैं हाइड्रोफाइट्स की। अब दूसरा है मॉडरेट, वाटर के अंदर ग्रो करते हैं, ये मॉडरेट रीजन में जहाँ पे वाटर की सप्लाई ना तो अबंडेंट होती है ना ही बहुत ज्यादा कम होती है, ड्राई कंडीशन होती है, यानी कि दो एक्सट्रीम्स के दरमियान वाली कंडीशन है जिसको हम कहते हैं मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी, यानी कि वाटर जो है वो मॉडरेट अवेलेबिलिटी है, उसकी मुनासिब अमाउंट जो है वो अवेलेबल है। लिहाजा इस सूरत में ये प्लांट्स की अडोप्टेशन दो तरह की हैं, क्योंकि इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो अंडर सरफेस के ऊपर होते हैं, यानी कि लोअर एपिडर्मस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इनके स्टोमेटा वाटर सप्लाई की बेस के ऊपर ओपन और क्लोज होते हैं। अगर तो सप्लाई ज्यादा है, सफिशियंट सप्लाई ऑफ वाटर है, पानी अवेलेबल है, बारिशें ज्यादा हुई हैं उस जगह पे, पानी ज्यादा है, तो दे ओपन देयर स्टोमेटा टू प्रमोट लॉस ऑफ एक्सेसिव वाटर, ज्यादा जो पानी उनकी बॉडी में है उसको लॉस करने के लिए स्टोमेटा को ये ओपन कर लेते हैं। और अगर ड्राई कंडीशन है, रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई है, पानी ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो फिर ये अपने स्टोमेटा का क्लोज कर लेते हैं ताकि वाटर लॉस जो है वो प्रिवेंट हो जाए, वाटर लॉस जो है वो कम हो जाए। इसकी अमूमन हमारे एरिया के प्लांट्स जैसे ब्रासिका है,
रोज है, मैंगो ट्री है, या डिफरेंट ट्रीज जो कि इससे अलग रखते हैं जिनकी एग्जांपल्स आप जानते हैं, वो इसके साथ कंडीशन। तीसरे जो हैं ज़ीरोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जहां पे रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई होती है, वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है और ये ज़ीरे कंडीशंस में रहते हैं। लिहाजा इन्होंने पहली जो अडॉप्टेशन करनी है या इनके अंदर जो अडॉप्टेशंस होनी चाहिए, जो इनकी अडॉप्टेशन है वो क्या है कि लॉस को रिड्यूस करना वाटर को, तो रिडक्शन इन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन अडॉप्ट करना है ताकि कम से कम ट्रांसपिरेशन जो है वो लॉस ऑफ वाटर हो और अपने आप अपनी वाटर को ये मेंटेन करें। अब उसके लिए इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि इनके जो लीव्स हैं वो स्मॉल हैं, दे हैव स्मॉल लीव्स दोनों तरफ आपको नजर आ रहा है, ये कंडीशन सब ये कैक्टाई कैक्टस के पौधे हैं जहाँ लीव्स जो हैं इनके स्मॉल हैं, उसके बाद थिक लीव्स हैं, स्मॉल थिक लीव्स ताकि लिमिटेड वाटर लॉस हो बाय द रिडक्शन ऑफ सरफेस एरिया, क्योंकि पहले में आपने देखा कि वहां पे सरफेस एरिया ज्यादा था, वो उनकी अडॉप्टेशन थी क्योंकि उनके अंदर पानी ज्यादा था। यहाँ पे वाटर की सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड है, वाटर अवेलेबिलिटी कम है, लिहाजा रिडक्शन है सरफेस एरिया में और उस रिडक्शन के लिए लीव थिक हो गए और स्मॉल हो गए। उसके बाद नेक्स्ट अडॉप्टेशन क्या है, दे हैव थिक क्यूटिकल वैक्सी लेदरी शीट ऑन देयर सरफेस, लीव जो हैं उनके ऊपर जो क्यूटिकल है वो थिक हो गई, वैक्सी है और लेदरी है ताकि ट्रांसपिरेशन फर्दर रिड्यूस हो सके। स्टोमेटा लोअर सरफेस में है बट दे आर लोकेटेड इन टू द डिप्रेशन, के लीव जो हैं उनके अंदर डिप्रेशन हैं, डिप्रेशन उनके अंदर एक लीव जो है वो सेकंड स्टोमेटा की सूरत में उनके अंदर प्रेजेंट है, यानी कि वो डिप्रेशन के अंदर नीचे लीव के अंदर सरफेस के अंदर है, ये सरफेस है लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये एक डिप्रेशन बना, एक गड़ा सा बन गया और इसके अंदर फिर स्टोमेटा है, इसलिए इनके स्टोमेटा को हम सेकंड स्टोमेटा भी कहते हैं। और इस तरीके से ये फर्दर रिड्यूस कर लेते हैं लॉस ऑफ वाटर को। देन फर्दर जो है इसमें कैक्टाई कैक्टस का जो पौधा है वहां पे जब सीजन ड्राई होता है यानी कि वाटर अवेलेबिलिटी नहीं होती तो इनकी अनदर अडॉप्टेशन के दे शेड ऑफ देयर लीव, अपने लीव्स जो हैं उनको ये गिरा देते हैं, शेड कर देते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन जो है उसको फर्दर रिड्यूस किया जा सके। और क्योंकि इनके स्टेम फोटोसिंथेटिक ऑर्गन के तौर पे एक्ट करते हैं लिहाजा अपनी फूड जो है ये वहां से बनाते रहते हैं, और अमूमन ड्राई कंडीशंस के अंदर क्योंकि ये डेजर्ट के प्लांट्स हैं लिहाजा ड्राई कंडीशंस के लिए जब भी बारिश वगैरह हो, रेनी सीजन हो, डेजर्ट में पानी की अवेलेबिलिटी हो तो दे स्टोर वाटर इन टू द स्टेम, वाटर जो है उसको स्टेम में स्टोर कर लेते हैं ताकि ड्राई कंडीशंस जो है उनको ये टॉलरेट कर सकें। ये हमारा आज का टॉपिक था, उम्मीद है आपने लेक्चर को अच्छे तरीके से सुना होगा और अंडरस्टैंड किया होगा। इसमें ये जो ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है, लिहाजा इस वाले क्वेश्चन को आपने तवज्जो के साथ याद भी करना है और समझना भी है, अडॉप्टेशंस जो हैं वो उनको याद रखना है। और ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाता है, डिफरेंशिएशन में भी आ जाता है या कंपैरिजन में भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इसका आता है। तो आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, मे अल्लाह ब्लेस यू यू विद सक्सेस। तो सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज की तरफ से आप लोगों को अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपका निगेबान।